सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट जॉन वर्दा द्वारा संचालित सेंट जॉन हाई स्कूल हिंगन घाट ने स्वर्ण महोत्सव में पदार्पण किया है इसको मनाने के लिए वर्षो वर्षोर कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि शिल्पा सोनाले उप विभागीय अधिकारी हिंगन घाट कार्यक्रम की अध्यक्षा संस्था की अध्यक्षा सिस्टर विद्या जोसेफ विशेष अतिथि सिस्टर वीना स्कूल प्रथम प्राचार्य फादर जोसेफ मैथ्यू जीवन ज्योति चर्च हिंगन अतुल देवड़े उपाध्यक्ष अभिभावक शिक्षक संघ पूर्व छात्र डॉक्टर प्रतीक कोठारी मौजूद रहे प्राचार्य सिस्टर प्रीति जॉर्ज ने सभी गणमान्य अतिथियों का शॉल पौधे एवं पुस्तकें भेंट कर स्वागत किया और इस वर्ष पर विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ये बताया उसमें विशेष रूप से छात्रों अभिभावकों और संस्था की भागीदारी से क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों तक पहुँच उपक्रम मदद का एक हाथ इस उपक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा वही कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना नृत्य से हुई जुबली लोगों का नावरण मान्यवर शिल्पा सोनाली और सिस्टर वीना ने किया सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के बाद 50 सुनहरे गुब्बारे 50 वर्षों के प्रतीक के रूप में आकाश में छोड़े सस्चा वीना ने शहर में पहला अंग्रेजी स्कूल शुरू कर शुरुआती दिनों में स्कूल की मदद करने वालों का आभार व्यक्त किया और स्कूल किस प्रकार प्रगति पथ पे गए इस बारे में मनोगत व्यक्त किया डॉक्टर प्रतीक कोठारी ने अपने स्कूली जीवन और शिक्षकों की याद को ताजा किया साथ ही स्कूल का समय उनके जीवन में अमूल्य संपत्ति है यह कहते हुए उन्होंने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया अध्यक्षीय भाषण में सिस्टर विद्या जोसफ ने प्रधान अध्यापक एवं समस्त स्टाफ को विद्यालय की प्रगति के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि विद्यालय की प्रगति यूं ही जारी रहेगी इसके लिए उन्होंने हिंगन और आसपास के क्षेत्र के अभिभावकों विद्यार्थियों और समुदाय को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं अभिभावक स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित था हिंगन से इन बीसी न्यूज के लिए रवि योनौरकर की रिपोर्ट